नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शुक्रवार दोपहर तक जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव केसेस हुए 7। नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला चार्ज, कहा अनसुलझे लूट और मर्डर के मामले सुलझाना रहेगी प्राथमिकता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित। देवसर के ग्रामीण मिले पुलिस अधीक्षक से, न्याय की लगाई गुहार। बॉर्डर की वजह से जिले के डेली वेजेस यात्रियों को हो रही है समस्या। शिक्षा बोर्ड से 4 अधिकारी कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 7 रह गई है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में संक्रमित हुए 6,318 लोगों में से 6,167 लोग ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 6,318 हो चुकी है, जिनमें से 6,167 ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया था, जिसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 7 ही है। वहीं जिले में लगातार सैंपल्स लेने का काम जारी है। शुक्रवार को भिवानी जिले के नए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं उन्होंने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधों व लूटपाट पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने आज भिवानी में कार्यभार संभालने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले के अनसुलझे मामलों को ट्रेस करना और मेजर क्राइम रोकना होगा। गौरतलब है कि भिवानी जिले में मर्डर, बैंक डकैती सहित आधा दर्जन के लगभग मामले पिछले 2 सालों से अनट्रेस है, जिस पर पुलिस द्वारा गंभीरता से काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि जिले में अवैध शराब से संबंधित काफी मामले हैं, जिन्हें निपटाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नशा और जुए पर भी अंकुश लगाना जिले की पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गुप्तचर विभाग और सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले से अपराधियों को बाहर करने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री जैसी घटनाओं और पटाखा मोटरसाइकिल पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। वहीं साथ ही जिले में कानून और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करके काम किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट का अभी फोकस जो बड़े बड़े अपराध हुए हैं तो उन अपराधियों पर अंकुश लगाना, जो अनसुलझे मर्डर के केसेस हैं या लूट के केसेस हैं उन सबको सुलझाना, साथ में भिवानी में जो अपराधी हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना और अपराध पे तुरंत अंकुश लगाना, ये प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नशे पे, अवैध शराब पे, जुए पे, इन सब पे भी पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी और हम चाहते हैं कि भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा रहे, पीसफुल रहे। और मैं आशा करता हूँ कि भिवानी वासियों का, आप सभी लोगों का, पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का हमें सहयोग मिलेगा इस मामले में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की रीअपीयर परीक्षा का परिणाम 10 दिन में घोषित कर दिया है। यह जानकारी प्रदान करते हुए बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने कहा कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 42.67% व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 43.15% रहा, जिनकी विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 19 फरवरी को करवाई गई थी। बीते दिनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हुई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एक दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा का परिणाम परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 42.67% रहा, जबकि सीनियर सेकेंडरी का 43.15% रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच के लिए 20 दिन तक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एक दिवसीय परीक्षा पिछले 19 जनवरी को संपन्न हुई और आज 10 दिन के बाद 29 जनवरी को उनका परीक्षा परिणाम दिया जा रहा है। एक दिवसीय परीक्षा में दसवीं के 14,955 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी, जिसमें से 6,381 विद्यार्थी ये परीक्षा पास कर गए, जिनका पास प्रतिशत रहा 42.67%, और 8,372 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट का दूसरा चांस दिया गया, और ऐसे 202 विद्यार्थी थे जिनके कंपार्टमेंट के चांस पूरे हो गए और डिस्क्वालीफाई रहे। ऐसे विद्यार्थी मार्च की परीक्षा के लिए CTP के तहत बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दसवीं कक्षा में छात्र और छात्राओं की बात करें तो छात्र थे 8,625 और छात्राएँ थी 6,330, जिसमें से छात्रों का पास प्रतिशत रहा 45.17% और छात्राओं का 39.26%। ऐसी छात्राएं जो अपने कंपार्टमेंट के पूरा ना कर सकी, ऐसी छात्राएं थी 78 और छात्र थे 124। ये सब विद्यार्थी CTP के तहत दोबारा मार्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार बारहवीं की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 9,556 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 4,123 की कंपार्टमेंट क्लियर हो गई, उनका पास प्रतिशत रहा 43.15%, और जिनको आगे दोबारा कंपार्टमेंट में पेपर देना पड़ेगा मार्च में, ऐसे 5,063 विद्यार्थी रहे, और 370 ऐसे विद्यार्थी रहे जिनके कंपार्टमेंट के सभी चांस पूरे हो गए। ऐसे विद्यार्थी CTP के तहत मार्च की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें छात्रों छात्राओं की बात की जाए तो 6,779 छात्र थे और 2,807 छात्राएं थी, जिनका छात्रों का पास प्रतिशत रहा 42.97% और छात्राओं रहा 43.57%। जो जिनके चांस क्लियर नहीं हुए, ऐसे छात्र रहे 289 और छात्रा रही केवल 81, जो CTP के तहत मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। भिवानी के निकटवर्ती गांव देवसर में गलियां पक्की करवाने के दौरान पेड़ को लेकर हुई आपसी कहासुनी मामले को लेकर सोमवार को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। वहीं 12 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस विभाग में दर्ज की गई शिकायत पर पुनर्विचार करने की ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की। गली पक्की करने में आ रही पेड़ की अड़चन मामले में हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को गांव देवसर के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपना प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की पंचायत की जमीन पर सरपंच द्वारा रेत डलाया जा रहा था ताकि गांव की गलियां पक्की हो सके, लेकिन वहीं खड़े एक पेड़ को लेकर गांव वालों में कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के गांव के ही 12 ग्रामीणों के नाम पुलिस की शिकायत में दर्ज कराए गए। इस शिकायत के खिलाफ आज ग्रामीण इकट्ठा होकर पुलिस अधीक्षक से मिले और शिकायत की दोबारा जांच की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि जो शिकायत में नाम दर्ज है वे झूठे हैं और आपसी रंजिश के चलते लिखवाए गए हैं, इसलिए ग्रामीण इकट्ठा होकर पुलिस अधीक्षक से मांग की कि इस शिकायत की दोबारा जांच कराई जाए। मेरा जी ओम्बे सिंह नंबरदार देव सर, MSP साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे जो 12 आदमी को नाम लिखाए गए हैं वो बिल्कुल नाजायज है, उससे इन आदमियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका झगड़ा पंचायत की ज़मीन पर रेत डालने के ऊपर हुआ था दो पक्षों का, तो उनका केस चल रहा है, उसकी एवज में इन्होंने खुद ने ही एक रास्ते में जो धर्मशाला बना रहे हैं रास्ते में एक काबली किक्कर का पेड़ था उसको इन्होंने उखड़वाया, और उखड़वाने के बाद हमारे मोहल्ले के 12 आदमियों को इन्होंने नाम लिखवा दिया। इस एवज में कि इस नाम लिखाएंगे तो पहले वाले मुकदमे का ये समझौता कर लेंगे, इसी रंजिश के चलते इन्होंने 12 आदमी पे नाम लिखवा दिए, जो कि गलत है, ये आदमी प्रेजेंट वहाँ थे ही नहीं। समस्या है जी, कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं था, वो रास्ते में एक पेड़ गिलाती की करका खड़ा था, और वो JBC वाले ने इन इसके लड़कियों ने जिसने या 12 आदमियों के खिलाफ अप्लीकेशन लगा रखी है उसी के लड़कियों ने खड़ा होकर बोला इस पेड़ को उखाड़ दो और इस मेरे पेड़ की और अपना रास्ता बना लो, उस पेड़ का फिर पहाड़ बना दिया। नोबला मैंने ये
कहाँ से लेके पौधा लगाया था, वो गिलासों से पानी घाला था, मैंने सींचा था, बढ़ाया था, ये कराया था, वो कराया था, वो कर करा के झूठे। जमीन पंचायती थी? पंचायत की जमीन है। मेरा झगड़ा 25 तारीख को हुआ था और ये मेरे झगड़े का समझौता करवाने के लिए 12 लोगों का नाम झूठा लिखवा कर दबाव बना रहे हैं। भिवानी से दिल्ली यात्रा करने वाले दैनिक कर्मचारी कोरोना महामारी के चलते रेल सेवा बंद होने के कारण पहले ही काफ़ी परेशान चल रहे थे। इसके बाद बीते 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने रेल सेवा शुरू करने की उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। वहीं भिवानी दैनिक रेल यात्री संघ ने शीघ्र रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। भिवानी जिले से दिल्ली के लिए जाने वाले डेली वेज यात्री व औद्योगिक को 1 साल से चल रहे कोरोना काल बंद पड़ी भारतीय रेल सेवा की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि रेल सेवा के बंद होने की वजह से डेली वेज जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं फरवरी में आने वाले आम बजट में स्थानीय लोगों ने रेलवे के लिए विशेष बजट देने की मांग की और कहा कि रेल से ही आम आदमी का आना जाना होता है, जिससे उसकी घर की रोजी रोटी भी चलती है। इसी के लिए फरवरी में आने वाले आम बजट में रेलवे का विशेष पैकेज होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे की ऑनलाइन टिकट की वजह से भी अपनी परेशानी को जाहिर किया। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑफलाइन टिकट के माध्यम से आम आदमी किसी समय भी टिकट लेकर रेलवे यात्रा कर सकता था, लेकिन ऑनलाइन टिकट यात्रा के माध्यम से रेलवे में सफर करने से पहले रिजर्वेशन कराना होता है, जिसको लेकर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के चलते सील हुए दिल्ली बॉर्डर की वजह से भी रोड मार्ग से भी दिल्ली पहुंचना महंगा और नुकसानदायक हो गया है। ऐसे में रेल यात्रियों ने कहा कि वे पहले रेल मार्ग के माध्यम से सस्ती यात्रा कर अपना कार्य दिल्ली से करते थे, लेकिन अब महंगी पड़ी दिल्ली यात्रा की वजह से उन्हें काफी समस्याएं आ रही हैं। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द भारतीय रेल सेवा को चालू किया जाए। बगड़ी है, बड़ीसरा गाँव से हूँ मैं, और मेरा ये ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है तो पैसेंजर को भी दिक्कत आ रही कोरोना के कारण, क्योंकि बजट के कारण पैसेंजर में काफ़ी दिक्कत है, कोरोना भी है और भाड़ा ही बढ़ा दिया उन्होंने, ट्रेन भी टाइम टू टाइम नहीं चलती और ट्रेनों के सर्विस भी ट्रेनों में दिक्कत आती है पैसेंजर्स को, क्योंकि टाइम टू टाइम नहीं चलती, स्टूडेंट लेट हो जाते हैं, जिनके जो डेली पैसेंजर है जो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए, तो बजट के कारण आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और ऐसे सभी के पास ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है पैसों की, कभी किसी पास कम हो, किसी पहले 10 रुपये में जैसे 10 रुपये पहुँच जाते थे, लेकिन अभी 30 रुपये की टिकट लग रही है, लेकिन फिर वही टाइम टू टाइम नहीं मिल रही, लेट हो रहे हैं, स्टूडेंट की पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ रहा है और वैसे भी आम आदमी भी बहुत परेशान हो रहा है इसके कारण, और इसलिए सरकार को बजट पे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सर, फरवरी में जो बजट आने वाला है उस पर सर क्या कहना चाहिए? फरवरी में बजट आने वाला है उस पर यही है कि किसानों को, स्टूडेंट्स को और सभी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी सहूलियत हो, उससे रिलेटेड सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश करना चाहिए सरकार को। कुछ खास एस्पेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, न कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन है सिर्फ उनको नज़र में रखें। पहले हम जाते थे तो थोड़ा सस्ता होता था टिकट, लेकिन अब जो पहले जनरल भी मिल जाता था, लेकिन अब एक दिन पहले रिजर्वेशन करवा के जाना पड़ता है, तो जो सेम टाइम सेम डे जाना चाहे तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बजट से ऐसा है कुछ लोगों की जेब पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि जब तक पहले ही जीडीपी हमारी इतनी लो चली गई है, काम धंधे लोगों के बचे हुए नहीं हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए कुछ ना कुछ हो उसमें। और एक जो हमारी खास बात यह है कि यहाँ अपने भिवानी से लोहारू की काफ़ी बार पहले दबी पड़ी हैं, वो ट्रेन तो बाद में आएगी, पहले तो वो सर्वे ही नहीं हो रहा है कि लोहारू की चलेगी या नहीं चलेगी, सेंटर में या ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। अब जो बजट है रेलवे इसका किराया तेज ज़्यादा है, और अब जो नए आने वाले हम उससे वो गुंजा सकते हैं कि थोड़ा कम करके देखो, उन्हें टिकट के उसके में मिल जाती थी, अब ऑनलाइन जिसको मालूम नहीं है वो क्या करवाएगा बेचारा गरीब आदमी। तो अब आप क्या चाहते हैं? किराया थोड़ा कम करे गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा किराया है। तो लेते हैं कहाँ के सर? दादरी के भिवानी से, दादरी, और नहीं तो टाइम पर ट्रेन, और डबल डबल भाड़ा है, किराया भी डबल डबल है, पब्लिक परेशान हो रही है, और पैसा डबल डबल सारा सिस्टम।
शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 4 कर्मचारी व अधिकारी लंबे समय तक बोर्ड को सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गई। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने ब्रह्म प्रकाश, तरसेम चंद, कुलदीप व राजकुमार के द्वारा बोर्ड को दी गई सेवाओं की सराहना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि श्री ब्रह्म प्रकाश सहायक सचिव, श्री तरसेम चंद अधीक्षक, कुलदीप सहायक और राजकुमार सहायक ने काफी दिन तक अपनी बोर्ड में सेवाएं दी हैं और अपनी सेवाएं देने के बाद अब वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों, बोर्ड संस्था को दिए गए योगदान की सराहना की और उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि COVID-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति पर बहुत ही संक्षिप्त प्रोग्राम किया गया। उन्होंने अधिकारियों को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह और उपहार देकर शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त किया। इस अवसर पर बोर्ड के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। CIS स्टाफ 1 भिवानी को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने चालक प्रदीप हत्या मामले में 5 आरोपियों को काबू कर गिरफ्तार किया। वहीं इस बारे में DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि CIA इंचार्ज योगेश कुमार के नेतृत्व में आरोपी रामविलास के बयान पर सभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि CIS स्टाफ 1 भिवानी के इंचार्ज योगेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम गश्त करते हुए गांव दिनों से ढाणीमाऊ गांव की तरफ जा रही थी कि पुलिस टीम को टी पॉइंट गांव को हार्ड मोड पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि पुलिस टीम को देखकर सड़क से नीचे उतरकर खेतों की तरफ चलने लगा। पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति को शक के आधार पर काबू किया गया और तलाशी लेने के बाद उस आदमी से एक अवैध पिस्तौल, देसी 12 बोर और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि ये पिस्तौल वह जिला भरतपुर से खरीद कर लाया था। आरोपी ने बताया कि अपने साथियों के साथ जिला भिवानी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था जिसके लिए गाड़ी की आवश्यकता थी। इस पर रामविलास ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिवानी के टैक्सी स्टैंड से गाड़ी किराए पर करने और रास्ते में गाड़ी छीन कर चालक की हत्या करने की योजना बनाई। इसके बाद चारों आरोपी उस चालक को मारने के बाद गाड़ी लेकर गांव को हाड़ से लोहानी की तरफ भाग गए, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण आरोपी गांव गोलाकड़ के पास गाड़ी को छोड़कर बस के द्वारा लोहारू होते हुए जयपुर राजस्थान को चले गए। को जब वो पुलिस पार्टी को देख के भागने लगा तो उसका शक हो गया कि ये क्यों भाग रहा है। जब उसको पकड़ा तो उसके पास एक कट्टा मिल गया। जब उससे पता किया कि भाई तू ये कहाँ से लेके आया, तब उसने बताया कि भाई तो राजस्थान से लेके आया हूँ। लेकिन इतना ही नहीं था, क्योंकि वो उसी गांव को हड़का ही था और गुप्त सूत्रों से ये ज्ञात हुआ था जो व्यक्ति गाड़ी में गए थे, किराए पर लेके गए थे, वो कोहाड़ गांव में ही मुर्गी खाना पर गए थे। और जब गुप्त रूप से पता लग गया कि वो व्यक्ति इसी के पास गए थे जो गाड़ी छीन के लेके गए थे, और धीरे धीरे जब इसको पूछताछ, कड़ाई से पूछताछ की, तो इसने सारा राज खोल दिया कि भाई वो व्यक्ति इसी के पास गए थे, इसी के कहने पर उन्होंने गाड़ी छीनी थी और मर्डर किया था। उन्होंने 3 गाड़ियां जो ली थी, उस गाड़ियों में ये रहस्य था कि भी ये जो मॉडल की गाड़ी है ये तेज भागती है, दूसरी जो गाड़ियाँ वहाँ टैक्सी स्टैंड पर थी वो इतनी तेज़ भागने वाली गाड़ियाँ नहीं थी। इन्होंने इस गाड़ी को इसीलिए चुना था भी ये तेज़ भागती है, दूसरी गाड़ी वालों ने पैसे ज़्यादा मांगे थे और इसने कम पैसे में गाड़ी किराए पर करी थी। दूसरों ने 800 रुपये मांगे थे और इसने 600 रुपये में किराए पर करी थी। मेन कारण तो ये था, और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था कि इसी को किराए पर करना है। उनको नहीं, उनका कोई परिचय नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी थी। उनका मेन मकसद गाड़ी छीनना था, और गाड़ी छीनने के लिए उन्होंने हाथापाई करी थी पहले। लेकिन जब हाथापाई की नौबत आई तो उन्होंने पवन नामक जो लड़का था पुंडरी वाला, उसने इस लड़के के सिर में गोली मार दी पीछे। अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार दोपहर तक जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव, जिले में एक्टिव केसेस हुए 7। नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला चार्ज, कहा अनसुलझे लूट और मर्डर के मामले सुलझाना रहेगी प्राथमिकता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित।
में पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। कोरोना काल से बंद पड़े भारतीय रेल सेवा और किसान आंदोलन के चलते सीबीए बॉर्डर की वजह से जिले के डेली वेजेस यात्रियों को हो रही है समस्या। शिक्षा बोर्ड से चार अधिकारी कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।